हेलो दोस्तों, मैं हूँ ममता। कुक विद ममता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी पराठे बनाने की रेसिपी। इसमें मैंने ढेर सारी वेजीज का यूज किया है। आइए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक कप आटा लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करें, साथ ही इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करें। मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। 1 चम्मच ऑयल इसमें डालें। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका एक डो बना लें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, इसको अच्छी तरह से मल लें। इस पर मैंने थोड़ा ऑयल लगा दिया है और इसे इस तरह से मिक्स कर दें। इसे कवर करके 10 मिनट के रेस्ट पर रखें। जब तक ये डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम बाकी की सामग्री देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ वेजीज ली हैं। ये कैरेट है, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज और ये अनियन है। एक आलू को मैंने ग्रेट करके ले लिया है। स्टफिंग में ये बाइंडिंग का काम करेगा। साथ ही एक हरी मिर्च काट कर ली है। 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर ली है, ये भी इसमें ऐड करें। सारी वेजीज को अच्छे से मिक्स करें। साथ ही इसमें हरा धनिया ऐड करें। इस तरह से हाथ से इसको मिक्स कर लें। वैसे तो इस स्टफिंग में हमने काफ़ी सारी वेजीज डाली हैं। अगर आपको कोई और भी वेजीज पसंद हो तो इसमें डाल सकते हैं। आइए अपनी स्टफिंग को अब हम बनाएंगे स्पाइसी। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करें। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ही मिर्च डालें। 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालें। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालें। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर इसमें ऐड करें। सारे स्पाइसेस को वेजीज में अच्छी तरह से मिक्स करें। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक डालने से क्या होगा कि वेजीज अपना पानी छोड़ेंगी और फिर पराठा बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नमक हम बनाते समय ही डालेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। सारे मसाले इसमें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। इसे साइड में रखेंगे। आइए अब डो को देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा मिक्स करें। ये देखिए, ये पराठा बनाने के लिए तैयार है। इसको 2 पीस में डिवाइड कर लेते हैं। स्टफिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए, एक लोई या पेड़े को लेंगे और इसे इस तरह से रोल करके परोथन लगा के इसे चकले पर रखेंगे। इसका पराठा बनाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से आप इस पे परोथन लगाएं। इसको इस तरह से बेल लें। ध्यान रखना है कि हमें इसके किनारे पतले करने हैं और सेंटर से इसे थोड़ा थिक ही रखना है। ये देखिए, पराठा बेल गया है। थोड़ा सा आटा इस पे डस्ट करें। थोड़ा नमक इस पर डालें। ये स्टफिंग इस पर रखें। आधी स्टफिंग मैंने इस पर रख दी है। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करें। थोड़ा नमक इस पर और डालें। इस पराठे को फोल्ड करें। ये देखिए, इस तरह से इसे फोल्ड करें। इसे अच्छी तरह से प्रेस कर दें। अब इस पर सूखा आटा लगाएं, इसे रोल करें। ये पराठा हम स्क्वायर शेप में ही बनाएंगे। देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा थिक ही बनाएंगे। ये देखिए, पराठा बेल गया है। गैस पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको सेकेंगे। ये देखिए, तवा गर्म हो गया है। इस पे ये पराठा डालें। जब तक ये पराठा सिकता है, तब तक हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। पराठा एक साइड से सिक गया है, अब इसे पलट दें। पराठा दूसरी साइड से भी सिक गया है। अब इस पे ऑयल डालेंगे। आप इसे घी से भी सेक सकते हैं। ये देखिए, अब इसको इस तरह से सेक लें। इसकी स्टफिंग में आप जो चाहें वेजीज डाल सकते हैं। अगर कुछ वेजीज अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हें स्किप कर दें। थोड़ा ऑयल इस साइड में लगाएं। बस अब इसे इसी तरह से उलट पलट के सेक लें। फ्लेम मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पे सेकने से ये अंदर तक सिकेगा। ये देखिए, हमारा पराठा कितने अच्छे से फूल रहा है। ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से सिक गया है। अब इस तरह से प्लेट पर एक कटोरी रखें और इस पर इसे निकालें। ये देखिए, पराठे के सिकते टाइम हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया था, ये भी इस पर डालें और इसको भी इसी तरह से सेक लें। इसे पलट दें। ऑयल लगाकर इसे भी सेक लें।
और ये देखिए हमारा ये पराठा भी अच्छे से सिक गया है। फ्लेम को ऑफ करें, इसे भी प्लेट पर निकाल लें। ये और दोस्तों देखिए ये हमारे गर्मा गर्म पराठे बनकर तैयार हैं। विंटर्स में जब सारी सब्जियां आती हैं तब आप इन्हें जरूर बनाएं। ये काफी हेल्दी हैं। इन्हें आप बटर, ग्रीन चटनी और दही के साथ सर्व करें। इन्हें आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में किसी भी टाइम बनाएं, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो दोस्तों पसंद आई ना आपको ये रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक पर प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, मेरी चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।